चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सनी देओल की साल 1997 से लेकर साल 1999 की सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जाना था, सनी देओल की साल 1995 से लेकर साल 1996 की सभी फिल्मों के बारे में, लेकिन हम आज की वीडियो में बात करेंगे साल 1997 से लेकर साल 1999 की सभी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे कि सनी देओल की कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, कितनी फ्लॉप। तो दोस्तों, सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी सनी देओल को एक अच्छे और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की। तो फिल्म का नाम था जीदी। ये मूवी साल 1997 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे सनी देओल, रवीना टंडन भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 7,50,00,000 रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म, इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 32,44,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। आई थी सनी देओल की साल 1997 में। फिल्म का नाम था बॉर्डर। ये मूवी साल 1997 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नज़र आए थे सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ भी और भी एक्टर इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि बॉर्डर मूवी का बजट तकरीबन 9 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म, इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 66 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 105 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन बॉर्डर मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दी गई थी। और ये मूवी साल 1997 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नंबर वन पर भी रही थी। अगली फिल्म आई थी साल 1997 में। फिल्म का नाम था कहर। ये मूवी भी साल 1997 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नज़र आए थे सनी देओल, शक्ति कपूर, कादर खान, सुनील शेट्टी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि कहर मूवी का बजट 4 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म, इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ रुपये कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 19 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सनी देओल की साल 1998 में। फिल्म का नाम था जोर। ये मूवी साल 1998 में आई थी। ये फिल्म, इसमें सनी देओल के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये के बजट मनी थी। ये फिल्म, इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 18,60,00,000 रुपये कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 28 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सनी देओल की साल 1998 में। फिल्म का नाम था सलाखें। ये मूवी साल 1998 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नज़र आए थे सनी देओल के साथ अंग्रेज पुरी, कादर खान और शक्ति कपूर जैसे अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि सलाखे मूवी का बजट तकरीबन 9 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म, इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 16,58,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 25 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन
कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1999 में, फिल्म का नाम था प्यार कोई खेल नहीं। ये मूवी साल 1999 में आई थी। ये फिल्म इसमें सन्नी देओल के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 8,50,00,000 रुपए के बजट बनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 13,03,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 16,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सन्नी देओल की साल 1999 में, फिल्म का नाम था अर्जुन पंडित। ये मूवी साल 1999 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नज़र आए थे सन्नी देओल, जूही चावला इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूँ कि अर्जुन पंडित मूवी का बजट तकरीबन 8,09,00,000 रुपये के बजट बनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 19,07,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 29,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन अर्जुन पंडित बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सनी देओल की साल 1999 में, फिल्म का नाम था दिल लगी। ये मूवी साल 1999 में आई थी। इसमें सनी देओल के साथ सनी देओल के भाई बॉबी देओल भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि दिल लगी मूवी का बजट तकरीबन 14,00,00,000 रुपए के बजट बनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 21,22,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 29,00,00,000 रुपए से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी दिल लगी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। तो दोस्तों ये रही सनी देओल की साल 1997 से लेकर साल 1999 की सभी फिल्में। तो दोस्तों साल 1999 से लेकर साल 1997 की सनी देओल की इन सभी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। और दोस्तों अगर आप भी सनी देओल को एक अच्छे और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक